तो यार ये सिद्धि मूवी का नेक्स्ट पार्ट है लास्ट में उस लड़की ने यार झक मारा है, गुस्सा दिखा दिया है। हाँ वो आके हरामी गुंडे उसके पास, देखते हैं अब क्या। दी पुलिस यहाँ पर? ये क्या कर रहे हो देवा? तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आती हूँ। Later.
वैसे भैया कुछ भी हो पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, वाह भाई वाह, अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। मुझे पहले अपनी दुल्हन बनी बहन को जी भर के देख तो लेने दे। भैया भैया तुम सुन रहे हो ना, भैया मुझे पता चल गया है आकाश भैया को किसने मारा। पंडित जी मैं अपनी बेटी की अस्थियों के लिए आया हूँ। वो तो लड़की का भाई ले गया। कौन, देवा? हाँ हाँ यही नाम था उसका। आप जिनकी अस्थियां लेकर आए उन्हें याद कीजिए। देखा शिंदे, क्या बात है, सिक्योरिटी क्यों बढ़ा रखी है? कमिश्नर साहब का ऑर्डर है सर। क्यों, मेरे ऊपर कोई कहर गिरने वाला है क्या? जाओ। सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। हेलो जिंदाल साहब। हाँ बोलो इंदर। पता चल गया, ये उलझन हम सबकी थी ना कि आखिर गुड्डी के हाथ ऐसा क्या लग गया कि वो आकाश के कातिलों के बारे में जान गई। कौन सी ऐसी चीज थी? दरअसल उसके हाथ आकाश का वो पेन कैप लग गया था, तभी तो वो देवा को फोन करके बता रही थी। बेचारी, भाई तो मरा मरा, भाई के चक्कर में बहना भी मारी गई। और मरते मरते आकाश की मौत का आखिरी सबूत भी हमारे हाथ दे गई। अब आकाश और गुड्डी की मौत पूरी दुनिया के सामने एक सवाल बनकर रह जाएगी। और जिंदाल साहब, जिस दिन से मैंने मेरे भाई फिलास की लाश को देखा है, मेरे अंदर जो आग लगी है आज जाके बुझवाई है। और वो हेलो तेरा ये नया चेहरा कितना घिनौना लग रहा है इंदर। आ, 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 आ,
देवा, देख देख देवा, देख देवा, मुझे हाथ पर लगाना, तुझे बाबूजी की कसम, तुझे अम्मा की कसम, देख तेरा जीजा हूँ मैं। ये मिंडी वेरी गुड यू आर लगे भाई यार ये क्या कर दिया यार देवा ने, मौका था इसको भी पता चल गया, मौका था इसको भी मार देता साले को, इधर ही बस लटका देता, फांसी दे देता, तड़पा तड़पा के मारता, क्यों यार इसको ऐसे फेंक दिया कमीना, इतना हराम ज़्यादा है ये यार, इसको मारना चाहिए था तभी हमें भी खुशी होती यार, हराम ज़्यादा बच गया यार। क्या सही बात है यार, देवा को आज मौका था इस हराम खोर को मारने के लिए, भाई देवा ने गलती कर दी इस बार, इसको पता भी लग गया कि हराम खोर यही है, इसको मारो, सारी फसाद की जड़ यही है, अभी अभी वो बेचारी को मार दिया, उसके लिए अभी हमें अफसोस हो रहा है बड़ा यार, तो उस हराम खोर को जल्दी मारना चाहिए, लेट नहीं करनी चाहिए, उसको जाने नहीं देते, वो भी हराम ही है ना बड़ा, वो सिक्योरिटी वाले भी जुआ खेल रहे थे, बड़े बड़े झक मार रहे थे मंत्री की तरह, उस वो भी इधर छोड़ कर गया, ये वाला इधर जुआ में अच्छा वाला, इसको इधर ही निपटा देते, इनको पता ही नहीं चलता, ये पूरी रात खेलते रहते, सुबह वो सूली पर टंगा हो रहा उसको बत... यार देवा भाई ने आज उसको जिंदा छोड़ दिया ना, बड़ा दुख हुआ हमें, सुअर फिर से बच गया ना, ये मर जाना चाहिए था, मैंने तो कहा मर गया, देवा बड़ा फुल गुस्से में इसको मार देगा, इसका फिर से हाथ निकाल देगा उसके भाई तेरा, पर यार देवा को पता नहीं क्या हो गया, धक्का दे दिया बाहर गया, तो जुआ उठ गया है।